बागेश्वर से खबर, जहां पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। स्थानीय लोगों को मिली गर्मी से राहत, बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बागेश्वर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। स्थानीय लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही थी, तापमान बढ़ रहा था, तो मौसम बदलने से जाहिर है कि तापमान में कभी गर्मी से लोगों को राहत, तो तेज हवाएं और बारिश बागेश्वर में, जिससे माहौल और मौसम दोनों ही अच्छा हुआ। चारधाम यात्रा के बीच मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, बता दें कि मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यात्रा रूट पर 27 से 29 मई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई जा रही है। तो 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यात्रा रूट पर 27 से 29 मई तक बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई जा रही है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट, मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर से उत्तराखंड में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। 27 मई से 29 मई तक उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी के साथ साथ कई अन्य जनपदों में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पारा 40 के पार होने से लोग गर्मी से बेहाल हैं। उत्तराखंड में संभावित जो जनपद जिनमें बारिश होनी है, उनमें सभी जगह पे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और जो संवेदनशील जगह है, जिन जगह पे स्लाइड हो सकता है या फिर ज्यादा बारिश होती है, तो उसके लिए पूरी तरह से SDRF और पुलिस फोर्स तैनात की गई है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। धनराज, जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही 27-29 मई तक बारिश की संभावना जताई जा रही है चारधाम यात्रा को लेकर, यात्रा रूट को लेकर, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहां पर तैयारियां की गई हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, और इसके साथ ही क्योंकि गर्मी तो ज्यादा है, जाहिर है कि मौसम के इस बदलाव से लोगों में खुशी भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड का यदि मौसम की बात करें तो उत्तराखंड का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट भी जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो मैदानी क्षेत्र है उनमें बारिश देखने को मिलेगी और तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। और इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है जैसे चारधाम यात्रा का जो मार्ग है उस पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही हम देखें कि कहीं ना कहीं बारिश के चलते चारधाम यात्रियों को परेशानी हो सकती है, लेकिन वहीं गर्मी से राहत भी मिलनी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड वासियों को अब गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि 27 तारीख से 29 तारीख तक जो बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है। और आप देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम चारधाम यात्रा में रुकावट बन सकता है। और इस तरह से देखा जाए कि जो चारधाम यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं संभल कर चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी। बिल्कुल, और धनराज देखिए जाहिर है कि मौसम में बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मौसम में बदलाव तो तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर श्रद्धालुओं का जो भार है वो बढ़ता ही जा रहा है, व्यवस्थाओं को लेकर वैसे ही कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बारिश के अलर्ट से और बारिश की आशंका से कई तरह की परेशानियां सामने खड़ी हो सकती हैं, उसको लेकर क्या कदम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि चारधाम यात्रा चल रही है, उत्तराखंड के बड़ी जोरों पर चारधाम यात्रा है और श्रद्धालु अत्यधिक उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा पर आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। यदि अभी तक बात करें तो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो चारधाम यात्रा आ चुके हैं, और वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी लाखों की तादाद में हो चुके हैं, यानी कहा जा सकता है कि जो पिछले रिकॉर्ड है वो टूटते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मौसम बदलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने परेशानियां खड़ी हो सकती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं भूस्खलन या फिर मलबा आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी डबल चुनौती हो जाती है कि यात्रियों को एक और तो अत्यधिक यात्री आने की वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं जो जिस तरीके से मौसम बिगड़ता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं चेतावनी जो